दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे क्योंकि आप सभी के एग्जाम्स की डेट पास आ चुकी है तो आप लोग भी लौट कर आ चुके हैं यह चीज देख करके मुझे अच्छा लगा तो दोस्तों अब से हम लोग रिविजन चालू कर रहे हैं अब से कुछ दिनों तक हमारा रिविजन ही चलेगा और आज की इस वीडियो में मैंने 20-25 क्वेश्चन आंसर इकट्ठे किए हैं जिनको आज मैं डिस्कस करूंगा तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वे शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है इन विच मैगजीन ऑफ टू सिटीज सिटी पब्लिश इन सीरियल ऑफ टू सिटीज सीरियल से किस मैगजीन में पब्लिश हुई थी तो दोस्तों इसका जवाब होगा ऑल द ईयर राउंड अगला सवाल वट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेल ऑफ टू टेल ऑफ टू सिटीज का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है ये नॉवल तो दोस्तों थर्ड पर्सन ऑमनिसियंट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज इस नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज का क्लाइमैक्स क्या है तो दोस्तों इसका जवाब होगा सिडनी कार्टन रेस्क्यू ऑफ चार्ल्स डार्ने फ्रॉम प्रिजन जब सिडनी कार्टन चार्ल्स डार्ने का रेस्क्यू कर लेता है फ्रॉम द प्रिजन नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द दिस्ट ऑफ द नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज अ टेल ऑफ टू सिटीज का एंटेगनिस्ट कौन है इस नोवेल का तो दोस्तों मैडम डिफार्ज नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच लिटरेरी पीरियड अ टेल ऑफ टू सिटीज वॉज रिटर्न एंड पब्लिश अ टेल ऑफ टू सिटीज कौन से लिटरेरी पीरियड में पब्लिश हुई थी और लिखी गई थी तो दोस्तों विक्टोरियन एरा नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द जनरा ऑफ द नोवल अ टेल ऑफ टू सिटीज इस नोवल अ टेल ऑफ टू सिटीज की शैली क्या है तो दोस्तों ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ ओल्ड वाज डिकेंस ज फैमिली मूव टू लंडन डिकेंस कितने साल के थे जब उनकी फैमिली ने लंडन मूव किया था तो दोस्तों इसका जवाब होगा टेन ईयर्स ओल्ड दस साल की नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच कंट्री डिकेंस एंजॉयड ह्यूज पॉपुलरिटी फॉर हिज लिटरेरी वर्कस डिक्स को अपने लिटरेरी वर्क के लिए किस कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी मिली ब्रिटेन को छोड़कर तो दोस्तों सबसे ज्यादा तो दोस्तों इसका जवाब होगा अमेरिका अमेरिका में उनके लिटरेरी वर्क्स को बहुत ज्यादा पसंद किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द नेम ऑफ डिकेन्स वाइफ की वाइफ का नाम क्या था तो दोस्तों इसका जवाब होगा कैथरीन क्वेश्चन सिंबल ऑफ वॉट इन दिस नॉवल ये जो नॉवल है अ टेल ऑफ टू सिटीज इस नॉवल में वाइन किस चीज का सिंबल है तो दोस्तों वाइन सिंबलाइजेस द रिवोल्यूशन इन टॉक्सिकेटिंग पावर जो रिवोल्यूशन की इंटॉक्सिकेटिंग यानी कि नशीली पावर जो थी ना उसको सिंबलाइज करती थी वाइन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नोवल प्राइड एंड प्रेजिस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है तो दोस्तों इस नॉवल का पॉइंट ऑफ व्यू भी थर्ड पर्सन ऑमनिसियंट है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द जेंडर ऑफ द नोवल प्राइड एंड प्रेजेडिस नोवल प्राइड एंड प्रेज की शैली क्या है तो दोस्तों नोवल ऑफ मैनर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच लिटरेरी पीरियड द दोवल प्राइड एंड प्रेज रिटर्न एंड पब्लिश ये नॉवल प्राइड एंड प्रेज कौन से लिटरेरी पीरियड में लिखी गई और पब्लिश की गई तो दोस्तों इसका जवाब होगा क्लासिसिज्म और रोमेंटिसिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द नोवल प्राइड एंड प्रेज रिटर्न ये नॉवल प्राइड एंड प्रेज कहाँ लिखी गई थी तो दोस्तों तीन जगह पे लिखी गई थी एक तो इंग्लैंड दूसरा बाथ तीसरी जगह है समरसर नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वाज दी नोवल प्राइड एंड प्रेज रिटर्न प्राइड एंड प्रेज कब लिखी गई थी तो दोस्तों सत्रह से लेकर के 1812 के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन द प्राइड प्राइड एंड एंड इस novel Pride and Prejudice में कितने चैप्टर्स हैं तो दोस्तों इकसठ चैप्टर 61 वन चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द यंगर सिस्टर ऑफ डर्सी डर्सी की छोटी बहन का नाम क्या था तो दोस्तों जॉर्जियाना नेक्स्ट क्वेश्चन द प्ले आर्म्स एंड द मैन टेक्स प्लेस ये प्ले आर्म्स एंड द मैन कहां से शुरू होता है मतलब कहां सेटिंग रखी गई है इसकी तो दोस्तों बुल्गेरिया में नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज दिन ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन तो दोस्तों इसका जवाब होगा कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी ये कौन सी शैली में लिखा गया है ये प्ले कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी में नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज कॉल्ड हीरो प्ले आर्म्स एंड द मैन इस प्ले आर्म्स एंड द मैन का कहा जाता है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण की ये कौन से लिटरेरी पीरियड में पब्लिश हुई थी तो दोस्तों मॉडर्निज्म में साल उन्नीस में और आज की हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यह है वेन वॉज द नोवल स्वामी एंड फ्रेंड्स वॉज रिटर्न तो दोस्तों अर्ली नाइनटीन थर्टीज बिट्वीन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में लिखी गई थी अर्ली नाइनटीन थर्टीज में और इसको पब्लिश कर कब करवाया गया था मैंने पहले भी बता दिया नाइनटीन थर्टी फाइव में